अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक व्यूअर्स, आज हम आपको पंखे की शॉप का विज़िट करवाते हैं। यहाँ पे होलसेल प्राइस के अंदर है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये डिटेल वीडियो आपके लिए बनाएंगे जो आपको बेनिफिशियल है, आपको फ़ायदा पहुँचेगा। इससे घर बैठे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको पंखा ख़रीदना होगा उसके लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी, कौन कौन से पंखे मार्केट में हैं, क्या क्या है, क्या क्या उसकी वैल्यू है और किस किस तरीके से कितनी बिजली बचाते हैं और कितना उससे आपको बेनिफिट मिलता है। ज़रा जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक सर, आज क्या क्या दिखा रहे हैं हमें आप? जी जी, आपको दिखाएंगे। चलिए पहले कौन सा दिखा रहे हैं बताइएगा। फाइव स्टार कंपनी के सारे मॉडल है, एसी डीसी के अंदर सारे मॉडल, ठीक है, ठीक है ना। ये इसके अंदर ब्लैक है, ओपेड है, जो आप पसंद करें मिल जाएगा। अच्छा, उसमें वो वाला कौन सा कॉर्नर पे जो लगा ये क्रिस्टल मॉडल करा, ये कितने का है? ये आपको 9,500 रुपये का पड़ेगा, फाइव स्टार कंपनी। इसकी वारंटी वगैरह क्या है? इसकी वारंटी 2 साल कार्ड है, 5 साल मोटर है, 5 साल मोटर है, 33 वाट है और 375 RPM के साथ है, ठीक है, ठीक है ना। आप कोई भी आप पंखा लेंगे, खुर्शीद लें या तैमूर लें, बाग कर लें, GSP लें, 50 वाट हो गए, 350 RPM हो गए। गारंटी दूंगा आपको हवा की चीज़, कहीं भी आप पूरी मार्केट में चेक करें, RPM चेक करें, RPM की मेरी गारंटी होगी, वाट की मेरी गारंटी होगी, रेट की भी मेरी गारंटी। ये ACDC कहलाता है? जी हाँ। अच्छा, हमें आज एक थोड़ा सा ही बताइए, हमारे व्यूवर्स बहुत से दायरे टेक्निकल नहीं होते, सादा लोग होते हैं बहुत से, इसमें से जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते कि ACDC क्या होता है और इन्वर्टर क्या होता है, इन दोनों को अलग अलग ज़रा सा फ़र्क बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। ACDC का ये मायने है, आप इसको बैटरी पे भी यूज़ कर सकते हैं, 12 वाट की बैटरी से भी चला सकते हैं, छोटी बैटरी है, 50 mAh की रखी की बैटरी पे लगा के आप चला सकते हैं, 4-5 घंटे आपका वो चल जाएगा, ठीक है। प्लस वो इलेक्ट्रिक पे भी आपका चल जाएगा, दोनों में चलेगा, काम करेगा, सोलर पे भी चल जाएगा, वो आपका 3-in-1 होता है, 3-in-1 होता है, इलेक्ट्रिक पे। अच्छा, उसमें फायदा क्या क्या होता है बिजली के बिल के अंदर? उसमें आपका जो है 50% बचता है, 50% उसमें बचता है। कितनी बिजली लेता है वो ACDC? 50 वाट होता है, 50 वाट लेता है बिजली, जो भी कंपनी लेंगे 50 वाट है, 5 स्टार कंपनी, वाइफ कंपनी है जिसने 33 वाट 375 RPM के साथ बनाया, ठीक है, गारंटी के साथ, ठीक है, 2 साल कार्ड, 5 साल मोटर, रिप्लेस वारंटी है, आप दुकान पे लाए, एंड टू एंड चेंज कर। अच्छा, 1 मिनट। अच्छा सर, आपने बताया ACDC के अंदर जो है 50% क्या बोलते हैं बचत होती है बिजली की, और उसके अंदर क्या बोलते हैं ये फ़ायदा होता है कि आप वो बिजली से भी चल सकता है, वो बैटरी से भी चल सकता है और आपके सोलर से भी चल सकता है। अच्छा, आप इसके अलावा इन्वर्टर क्या होता है, उसमें क्या फ़र्क होता है? जो होता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक के लिए होता है, जो बिजली के बिल को बचा रहा होता है, बिजली के बिल को बचाता है। ज़्यादातर बंदे क्या होते हैं जो बिजली के बिल बचाने के चक्कर में बचा रहे, वो ACDC ले आते हैं। अच्छा, ये लेके नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इनको इन्वर्टर 30 वाट लेके जहाँ लाए जाके, ठीक है, अगर आप ये 30 वाट का लगाए आपके बिल में 70% बचत होगी, 70% बचत होगी, ठीक है, ठीक है ना। उसके अंदर भी कंपनियों का फर्क है। अच्छा, आप देख के कंपनियां ले और गारंटी देख के ले, क्या चीज़ मिल रही है और कितनी दफ़ा चेंज करके दे रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी कंपनी ले, एक दफ़ा आपको चेंज करके देंगे 5 साल के अंदर, ऐसा नहीं है। आप जाए अच्छी चीज़ के साथ, जैसे मिलना है, ठीक है, 5 स्टार है, तैमूर है, ये आपको रिप्लेस दे रहे हैं, ठीक है, बाकी कंपनियां आपको रिपेयरिंग वारंटी दे रही है, ठीक है। आप कुछ भी करें, आप आपको बोलेंगे ये गारंटी कार्ड है, आप जाने कंपनी जाने, ठीक है। इसमें मिलत में हम जवाबदार भी है, कंपनी भी जवाबदार है, 5 स्टार में हम जवाबदार है, आपके 2 साल कार्ड, 5 साल मोटर, डिजिटल रिमोट के साथ है, ठीक है। 30 वाट में मैं आपको दिखाऊंगा, आपको मिलत कंपनी का भी मौका। अच्छा, एक चीज़ और, 30 वाट का मकसद है कि ये 30 वाट बिजली लेता है, ठीक है ना, और वो 50 वाट का मतलब है कि वो 50 वाट लेता है, लेकिन उसमें 2 बेनिफिट है कि आप उसको बैटरी से भी चला सकते हैं जहां लोड शेडिंग है, ठीक है ना। अच्छा, तीसरे, ये जो घरों में आजकल जो पहले के पंखे लगे हुए हैं वो कितने वाट बिजली लेते हैं? वो 150 वाट, 150 वाट लेते हैं, तो 150 वाट की जगह कहाँ 50 वाट और 30 वाट, तो यानी आधे से भी ज़्यादा बिजली के बिल में फ़र्क आया था। जिसे यहाँ लाइट नहीं जाती वहाँ वो 30 वाट आप लगाएं, वो 30 वाट आप लगाएं, अब मिसाल के तौर पर एक नॉर्मल पंखा हटाएंगे आपके 5 पंखे लगे, ठीक है, आपका जितना
फर्क आ गया वाट का कंज्यूम कर लें आप कम से कम अल्लाह जी के आपको बनता है 700-750 वाट। और जहाँ बिजली जाती है लोड शेडिंग है तो वहाँ ये 12 वाट की एसीडीसी चलिए आप ये दिखाते हैं। ये तो हमने इन्फॉर्मेशन अपने व्यूवर्स को दिए कि ताकि उनको एक सादा जबान में बआसानी चीज़ें समझ आ जाए, क्योंकि बहुत से लोग सादा होते हैं हमारी हर चीज़ को नहीं समझ पाते। तो अब ये आपने फ़र्क बता दिया कि एसीडीसी कैसे लेना चाहिए और इन्वर्टर कैसे लेना चाहिए, और रेगुलर फ़ैन जो है उसकी जगह आप ज़ाहिर है यही चल रहे हैं बिजली की बचत की वजह से भी और दूसरे वजह से भी। मैं आपको 22 साल का 30 वाट का पंखा दिखाता हूँ। ठीक है, ये 5 स्टार कंपनी का 30 वाट पंखा है। ठीक है, ठीक है ना, इसमें कंपनी ने इम्पोज करा है 30 वाट, ये आप देखें। ठीक है, 30 वाट कोई भी आप कंपनी का पंखा ले लें बेचक 30 वाट का किसी के पेपर इम्पोज नहीं होगा। अच्छा, मिल्लत ले, बाग ले, रॉयल ले, कोई भी लेते हैं। ये कौन सी कंपनी है? ये 5 स्टार कंपनी का है। दिखाइएगा जरा इसकी, ये 5 स्टार, ये 5 स्टार यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कंपनी ने इम्पोज करा है। ठीक है, कितने का ये? ये 11,000 की प्राइस है। 11,000 प्राइस है। 2 साल कार्ड, 5 साल मोटर रिप्लेस वारंटी है। अच्छा, रिपेयरिंग 2 साल में 100 दफा कार्ड जला के लाए, 100 दफा नया मिलेगा। 100 दफा नया मिलेगा, रिप्लेसमेंट है। 5 साल में 5 दफा मोटर जला के लाए आपको नई मोटर मिलेगी। ठीक है, प्लस ये डिजिटल रिमोट के अंदर है। डिजिटल रिमोट के अंदर है। अच्छा, इसका रिमोट दिखाएंगे। अच्छा, ये डिजिटल है इसका रिमोट। अच्छा, खूबसूरत रिमोट है, ने अपना नाम मेंशन करा है उसके। ठीक है, इसमें टाइमर वगैरह भी दिया हुआ होता है, सारी चीजें दी हुई होती है। ये तो अच्छी बात है कि आदमी कम करना चाहे ज्यादा करना चाहे बैठे बैठे अपने। अच्छा, ये बताएं, ये एसीडीसी और ये इन्वर्टर में हवा का तो फर्क नहीं आता? हवा तो कम नहीं होती? इन्वर्टर जो है थोड़ा सा कम होता है एसीडीसी के मुकाबले। एसीडीसी के मुकाबले इलेक्ट्रिक से ज्यादा होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक से ज्यादा, इलेक्ट्रिक वाला होता है उससे ज्यादा ही वोट होते हैं उसके अंदर। अच्छा, ठीक है, एसीडीसी होता है 370 होता है, 370 होते हैं, 20 RPM का फर्क है, कोई इतना खास वो नहीं होता। अच्छा, उसकी फिटिंग अच्छी हो तो वो भी हवा अच्छी देता है, ठीक है ना, उसके परों पे डिपेंड करता है फिटिंग। चलिए ठीक है, आगे और कौन सा दिखा रहे हैं? हाँ सर, ये कौन सा है? गिरी कंपनी का, गिरी मैक्स दिखाएं। इसका टाइटल कहाँ लिखा हुआ है कहीं? अच्छा, ये गिरी मैक्स है। गिरी मैक्स इसके क्या हैं? 50 वाट। ठीक है, एसीडीसी मतलब बिजली से भी चलेगा, सोलर से भी चलेगा, बैटरी से भी चलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये बताएं कि ये कितने का है? ये आपको पड़ेगा 8,500। 8,500। इसकी वारंटी वगैरह क्या है? 5 साल रिप्लेस वारंटी भी। आरएफ कार्ड है। आरएफ कार्ड क्या होता है? रिमोट के अंदर होता है। अच्छा, यानी दूर से भी बैठ के आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। चले ठीक है, इसके अलावा कौन सा दिखा रहे हैं? अच्छा, ये गिरी के मॉडल हैं सारे। देखिए व्यूवर्स, ये गिरी के मॉडल्स हैं इसके अंदर। ये डिज़ाइन है इसके, ये डिज़ाइन है गिरी के अंदर, ये डिज़ाइन है। ठीक है, इसका डब्बा वगैरह ये है, ये डब्बे हैं इसके। पर कौन से हैं इसके? डब्बा दिखाइए पर्स का। अच्छा, ये इसके पर हैं। ठीक है, चलिए भाई, ये गिरी के ही पर्स, ये जनाब इसके पर हैं, ये गिरी का हो गया। इसकी भी वारंटी आपने बताई कितनी? 2 साल 5 साल। 2 साल और 5 साल। ठीक है, कैसी है इसकी परफॉर्मेंस? अच्छा, चले वेरी गुड, हवा की भी गारंटी। चले जी सर, ये कौन सा दिखा रहे हैं? तैमूर का, 30 वाट का, तैमूर का। ठीक है, ये कितने का? इसके प्राइस क्या है? 10,800 का। ये भी 30 वाट है, ये जो जिसे हम वो कहते हैं इलेक्ट्रिक और वो इन्वर्टर जिसे कहते हैं। ठीक है, इन्वर्टर। ये कितने का सर? ये आपको 10,800 का। 10,800 का। इसकी भी वारंटी वगैरह कितनी है? इसकी 1 साल कार्ड है, 2 साल मोटर है, कंपनी जाने आप जाने। ठीक है, कंपनी वारंटी है फकत, इसका आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा। जो भी जिसकी भी जो क्लेम करेगा वो कंपनी से रिलेटेड क्लेम करेगा, कंपनी का नंबर होगा, कंपनी का वारंटी कार्ड वगैरह साथ होता है। ठीक है, जो मैं आपको चीज दिखाना चाह रहा था
5 स्टार पे कंपनी ने एम्बोज कराया था 30 वाट। ये तैमूर कंपनी है। अच्छा, यहाँ पढ़ने तैमूर, उन्होंने अपना नाम मेंशन करा तैमूर। ठीक है, पेन 2024 कॉपर वाइट मेड इन पाकिस्तान। इसमें कहीं इन्होंने 30 वाट मेंशन नहीं करा है। मेंशन नहीं करा है, लेकिन ये होता 30 वाट का है। 30 वाट। अच्छा, दूसरे ये कि चले ये 30 वाट का होता। आपने अपना नाम क्या बताया था, भूल गया? माजिद। अच्छी, ठीक है माजिद भाई। और इसके अलावा कौन सा दिखा रहे हैं? बताइए। कौन सा है इसका, बताइए कौन सा का डब्बा है कोई? ये लगा है, इस पे 30 वाट भी है। अच्छा, ये है ऑर्नेट। ये ऑर्नेट, इसके अंदर नए मॉडल भी आ रहे हैं इसके, वो भी ये है। ऑर्नेट, ठीक है, ऑर्नेट के ये मॉडल है सारे। ठीक है, ये कितने कितने हैं सर? ये सब 30 वाट वाले हैं। इसमें 30 वाट भी एसी डीसी, 30 वाट भी है, प्लस आपका 50 वाट, 50 वाट भी है इसके अंदर। एसी डीसी भी है और इन्वर्टर भी है दोनों। एसी डीसी में 30 वाट है। एसी डीसी में 30 वाट है। अच्छा भाई, वीवर देख लें इसके अंदर। एसी डीसी यानी जो बिजली से भी चल सकता है और आपके बैटरी से भी चल सकता है, सोलर से भी चलता है। इसमें 30 वाट है, नहीं तो उमूमन 50 वाट कहते हैं कि 50 वाट होते हैं, 45 से 50 वाट उसमें होते हैं। ये 30 वाट इन्होंने दे रखा, तो ये होते हैं 100% इसके अंदर। 100% है। चलिए, इसकी वारंटी क्या है? 2 साल कार्ड है, 5 साल मोटर है। इसकी भी ऑन सर्विस गारंटी है। ऑन सर्विस गारंटी है। ये कितने का है इसकी प्राइस? पड़ेगा 8,800। और इसके जो दूसरे डिजाइन है, इसके अंदर दूसरे डिजाइन भी आपको मिल जाएगा। 50 वाट है। हाँ, ये भी 50 वाट है। ये आप 50 वाट लेंगे 8,500 रुपए का है। ये 9,000 रुपए का है। ये 8,500 रुपए का है। हाँ, ये मॉडल लगे हैं इसके दोनों। और वो जो 30 वाट का बताया, वो कितने? 30 वाट ये 8,800। और ये 8,500। फर्क नहीं है कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, रखा भी नहीं है। अच्छी बात है, यानी कम प्रॉफिट पे आपने मार्जिन पे काम करते हैं। जाहिर है आपकी होलसेल की शॉप है, एक पीस भी चाहेगा मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हम आपसे अभी लोकेशन भी पूछेंगे। और कौन सा दिखा रहे हैं इसके अलावा जो है ये खुर्शीद के लगे हैं, आप देख लें, खुर्शीद मिल जाएगा। अच्छा, ये खुर्शीद के है। ये कितने का है खुर्शीद का? 9,200 का। ये 50 वाट में 350 RPM। 50 वाट है और 300 RPM है। और इसकी गारंटी आपको 1 साल कार्ड, 2 साल मोटर, रिपेयरिंग वारंटी, कंपनी वारंटी। कंपनी वारंटी, आप जाने कंपनी जाने। ठीक है, हमारा जवाबदारी, आपकी जवाबदारी नहीं थी। बाकी जो आपने दूसरे बताया उसमें आपकी जवाबदारी, मैक्स में जवाबदार है, मिलत में जवाबदार है। किस में जवाबदार है सर? मिलत के जवाबदार है, 5 स्टार के जवाबदार है, ग्री मैक्स के जवाबदार है, हॉर्नेट के जवाबदार है हम यहाँ पर। अच्छा सर, मिल्लत दिखाइए जरा। मिल्लत तो बहुत पुराना ब्रांड है, हम तो अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। जरा दिखाइए कौन सा है मिल्लत। हाँ सर, ये कौन सा है? मिल्लत कंपनी का। ये तो बड़ी मशहूर कंपनी है और पाकिस्तान की सबसे पुरानी मिल्लत है। ये वही ओरिजिनल वाली मिल्लत कंपनी है। एसीडीसी के अंदर है। ये कितने का है मिल्लत का? आपको 9,200 का। ये 50 वाट वाला है। 50 वाट वाला। अच्छा, इसके अंदर भी 50% से ज़्यादा बिजली की बचत है। इसी में 30 वाट भी है। वो खाली इन्वर्टर है, वो इलेक्ट्रिक पे चलेगा इन्वर्टर पे, वो बैटरी से नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसकी वो वारंटी वगैरह? 2 साल कार्ड है, 5 साल मोटर है, होम सर्विस गारंटी भी। अगर आप होम सर्विस पे नहीं कराना चाहते, दुकान से चेंज कराना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन है। घर पे भी आके चेंज हो जाएगा और होम सर्विस भी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताएं इसके अलावा आपके यहाँ पुराने पंखे जो जिसके होते हैं वो आप ले लेते हैं पुराने? तो पंखा बड़ी मोटर कॉपर वाला। हाँ, अगर किसी को तोल के देना है तो 340 रुपये किलो के हिसाब से लेंगे। हाँ, बाकी वैसे देंगे तो आपका ये 2,000 रुपये का पंखा जाएगा। कॉपर वाला 2,000 रुपये का जाएगा। ठीक है, सिल्वर में होगा तो 1,000 रुपये का जाएगा। ठीक है, उसके पैसे जब कोई दूसरा पंखा लेंगे तो उसमें से माइनस कर देंगे। अच्छा, सिर्फ होम सर्विस ये दे रहे हैं मिल्लत वाले? होम सर्विस आपको ऑर्नेट दे रहे हैं। होम सर्विस ऑर्नेट भी होम सर्विस दे रहा है। और कौन दे रहा है? अच्छा, बाकी जो है आपको शॉप पे लाना पड़ेगा या कंपनी के पास जाना पड़ेगा? शॉप पे लाएंगे तो हैंड टू हैंड चेंज हो जाएगा। कंपनी वारंटी में क्या होगा, आपको 24 घंटे का टाइम, 24 घंटे का टाइम होता है कंपनी के। में वो कभी भी आएगा, उसके बाद आपके पास से पंखा लेके जाएगा, फिर आपको उसको दूसरा देंगे।
चलिए आपकी ज़रा लोकेशन बताइए, किस जगह पे है आपका ना, पहले सबसे पहले फ़ोन नंबर बताइए आपका क्या है, कोई रब्ता करना चाहें फ़ोन पे ये बताएं। ऑनलाइन डिलीवरी भी है आपके यहाँ, कैश ऑनलाइन जो होता है COD है, तो वो क्या ऐसा उसका क्या सिलसिला होता है, कितने दिन में पहुँच जाता है? वीडियो देखेंगे उसका, आप पंखा पसंद करें ठीक है, जो पसंद आए आप व्हाट्सएप पे हमारा नंबर आपको देंगे, आप उसको पसंद करके सेंड करें पिक्चर भी, ये पंखा हमें चाहिए। हाँ, उसके आप पेमेंट हमें कैश कराएं तो ऑनलाइन करा दें। हाँ, आपको बंदा आपके पास पूरी पेमेंट कैश करना होगी या कुछ पेमेंट कैश करके आपकी मर्जी, आप पूरी कराएंगे आज ही कराएं कोई। अच्छा, कुछ भी करवा दें ताकि एक टोकन मनी के तौर पे हो जाएगा, कुछ करवा दें तो बाकी कैश ऑन डिलीवरी होगा कि वहाँ आपका बंदा जाएगा और वहाँ से बंदा कैश ले लेगा, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, बता दे तो आप बताइए फ़ोन नंबर बताइए। 0333-33-688-40 एक बार फिर बोल दीजिए। 0333-33-688-40 हफीज, किस जगह पे सर ये शॉप किस नाम से है आपकी? ये दुकान है हमारी देखिए बिल्कुल फ्रेस्को के आगे आएंगे कराची वाली रोड पे, फूड जो है बंदावाब आजाद बंदावाब के बिल्कुल सामने। किस नाम से? शाइन इलेक्ट्रॉनिक। शाइन इलेक्ट्रॉनिक ठीक है, 5-स्टार कंपनी का बोर्ड बड़ा लगा है हमारी दुकान पर, तो ये हमारी शाइन इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। ठीक है, इधर आए बिल्कुल देखें पंखे देखें। दूसरा ये अगर इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो इलेक्ट्रिशियन भी आपको मिल जाएगा हमारे लगाने के लिए, साथ इलेक्ट्रिशियन भी आप भेज सकते हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं? जी हाँ, वो चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिशियन के हमारे आधार पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई से भी एरिया में जाए आपसे जो है ₹1000 चार्ज करेगा। ठीक है, ठीक है सर। वीवर साहब ने ये देखा माशाल्लाह यहाँ पे तमाम पंखों की भरमार लगी हुई है, बहुत बड़ी इनके पास रेंज है पंखों की माशाल्लाह, अगर हम गिनवाना चाहेंगे तो बहुत सारे हैं अभी, और बहुत सारे ब्रांड अभी बाकी हैं जिनकी हम शायद वीडियो नहीं बना सके, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके अलावा सर क्या? इसके अलावा हमारे पास बैटरी चार्जर भी है। अच्छा अच्छा, बैटरी चार्ज करने के लिए किसी को चाहिए 12 वाट की बैटरी चार्जर? हमारे पास 2000 से लेकर 7000 रुपये तक का चार्जर मिलेगा। अच्छा, वारंटी भी होगी? वारंटी भी होगी, और उसमें वो कंट्रोल करेगा कि बैटरी को आपकी सही चार्ज करे, और जहाँ बैटरी चार्ज हो जाए तो फिर उसको रोक देता है, ऑटोमेटिक बंद कर देगा। अच्छा एक चीज़ और बताइए, इसके अंदर AC DC के अंदर दो सिस्टम डबल वायर होते हैं, एक तो लाइट पे चले जाते हैं दो, ठीक है ना, जो नॉर्मल लाइट है कैश की। अच्छा सर ये बताइए कि जो AC DC जो फैन लगाते हैं उसके अंदर चार तारों का सिस्टम, कोई खुला हुआ फैन है जिसके अंदर तारों का सिस्टम? दिखाइए जरा, दिखाइए। कंपनी यहाँ मेंशन करती है, ठीक है ना, 220 है ये लिखा है, 220 ये 220 वाले दोनों हैं, यहाँ पे 220 जो है आपका लगेगा, 220 वाला लग जाएगा जी, ठीक है ना। ये हमारे पास बैटरी में, ये बैटरी का मेंशन इस पे है, ये बैटरी यहाँ से बैटरी लगी है 12 वोल्ट, ठीक है, ये 12 वाट है, तो दोनों अलग अलग जाएंगे इसके, ठीक है ना, अलग जाएंगे। अच्छा, पहले देख के लगाना पड़ेंगे DC में, आपको इलेक्ट्रिक आप AC भी लगाएं कोई इशू नहीं, ठीक है, DC में तो माइनस और प्लस देखना पड़ता है, वो इलेक्ट्रिशियन ही करेगा। अच्छा ये बताएं कि जैसे मिसाल के तौर पे अभी लाइट के ऊपर चल रहा है पंखा हमारा, और इसके साथ बैटरी भी लगी है, तो लाइट चली जाएगी तो ऑटोमेटिक DC पे चला जाएगा? ऑटोमेटिक है, रात में जैसे हम सो रहे हैं लाइट चली गई तो बैटरी से हमारा कनेक्ट तो ऑटो चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि इधर उधर उस पर नहीं होगा ऑटो, और फिर लाइट आएगी तो फिर उस पर कन्वर्ट हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक चला जाएगा और बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी, तो इधर देखें बैटरी पे डिपेंड करता है ना, ये 50 एम्पेयर की जो बैटरी है उस पर कितना चल जाता है? 50 एम्पेयर की बैटरी पे कम से कम 4 घंटे चल जाएगा, 4 घंटे चल जाएगा 50 एम्पेयर की बैटरी पे, जो कार में लगी होती है 50 एम्पेयर की बैटरी, ये तो मैं आपको सिर्फ 4 घंटे बता रहा हूँ। हाँ हाँ, चलेगा ज्यादा, ज्यादा चलेगा, 6-7 घंटे निकालता है, ठीक है, मैं अपने पास से आपको बता रहा हूँ 4 घंटे चलेगा, ठीक है, चलेगा आपको 7-8 घंटे, ठीक है, ठीक है, इसका लोड होता है कम, ठीक है, ज्यादा चलता है, ठीक है। माजिद भाई अच्छी मालूमात मिली, और हमें उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी तमाम इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और किसी चीज़ के लिए रब्ता करना चाहें तो इनका फ़ोन नंबर है, मैं वीडियो में भी फ़ोन नंबर इसका इनका दे दूंगा और इनका एड्रेस भी दे दूंगा। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, और लोड शेडिंग से अपने लिए जान छुड़ाइए, इस तरह के फ़ैन इस्तेमाल कीजिए, बिजली की बचत भी कीजिए और लोड शेडिंग से भी अपनी जान छुड़ाइए ताकि आपके लिए फ़ायदा हो, ठीक है ना। थोड़ा सा पैसे ज़रूर खर्च करना पड़ेंगे लेकिन सालों की आपको छुट्टी हो जाएगी।
ठीक है सर, कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को हमारे? ये दुकानदारों से भी बचें, उसमें गलत बयानी भी हो रही है। तो आप पहले मार्केट जाएं, मार्केट में घूमें, मुतमिन हो, जहाँ आपका दिल जाए वहाँ से। मेरी कोशिश ये होती है कस्टमर अच्छी चीज़ लेके जाए, ईमानदारी वाले पे आए वो अच्छी चीज़ लेके जाए। ठीक है, नाम पे अगर आपको नाम देख रहा है तो आपकी मर्जी, आपके पैसे आपकी। ठीक है। हाँ मकसद, आजकल बहुत से लोग ऐसा भी हैं कि कुछ फ्रॉड भी कर रहे हैं, बताते कुछ है, देते कुछ है, सर्किट कुछ होता है और कहते कुछ है, वारंटी कुछ बताते हैं, लेकिन बाद में क्लेम करने जाओ तो वो अवेलेबल नहीं होती। तो ये सब चीज़ें आप जहाँ से भी परचेज करें तो उनसे जाहिर है सारी चीज़ें पूछें, मालूमात लें। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको घर बैठे मालूमात फराहम करना है। बाकी जब आप ख़रीदारी करने जाएँ तो आप अपनी खुद सर्च करें कि आपको क्या चीज़ सही लग रही है, क्या उसमें बेहतरी है, क्या नहीं है, कुछ समझिए, तो यह आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हमारी तो सिर्फ इतना है कि हम आप तक पहुँचा दें। चलिए मिलते हैं किसी और व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह सर।